अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सैम रेसिपीज़ में आप सबको खुश आमदीद। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं फ्रोज़न पराठे, जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैंने यहाँ पर 1 किलो मैदा लिया है और ये चीनी को मैंने पीस लिया था, 4 टेबल स्पून है। 4 टेबल स्पून इसमें सूखा दूध जाएगा। घी इसमें 1 कप, ईस्ट 1 टेबल स्पून, 2 एग्स लिए हैं, 2 अंडे, और यहाँ पर ये हमने लिए सूजी 1 कप, और ये पानी भूनने के लिए हसब ज़रूरत। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब हम सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं। ये कई चीनी, इसमें हमने ऐड की चीनी, सूखा दूध, ईस्ट 1 टेबल स्पून, सूजी 1 कप, 2 eggs, घी 1 कप। इन सारी चीज़ों को हम पहले मिक्स करेंगे एक साथ, उसके बाद हम इसमें हसब ज़रूरत पानी ऐड करना शुरू करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और बिल्कुल नॉर्मल जैसा हम घर में आटा गूंदते हैं अपना, बिल्कुल सेम उसी तरह से हम गूंदेंगे, ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा सख्त हो। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके फिर हम इसे गूंदेंगे। 5 से 7 मिनट ये आटा गूंद चुका है। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा दिया है और इसको हम कवर करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। इस रेसिपी से बहुत ज़बरदस्त फ्रोज़न पराठे बनते हैं, जैसे कि हम मार्केट से लाते हैं। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस में कमेंट कीजिए प्लीज़। जी व्यूअर्स, आधा घंटा रेस्ट करने के बाद अब हमारा मैदा थोड़ा राइज हो गया है, ये जैसे कि आप देख रहे होंगे। अब हमें इसको एक बार थोड़ा सा और भूनना है। ये देखें, ईस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें। अब ये इसके ईस्ट की वजह से ये फूल गया है काफ़ी। इसको एक बार और भून देंगे 1 मिनट तक। ये देखें, इसको मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है। अब मैं इसमें तेल लगाऊंगी हाथों की मदद से। ये बहुत अच्छे परतदार पराठे बनते हैं इससे। इसमें थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे। अब हम एक नाइफ की मदद से इसमें कट लगाएंगे। इससे जो परत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। जब पराठे हम अपने तलते हैं तो बहुत ज़बरदस्त उसकी शेप आती है। ये देखिए, ऐसे हमने इस तरह से ये बना लिया है अपना पेड़ा। इसको हम कवर करके रख देंगे ताकि ये ड्राई होने से बचा रहे। इसी तरह से हम सारे अपना जितने भी पेड़े हैं हम बना लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसे सारे पेड़े बना के रख दिए थे, जैसे मिलकर मैंने आपको दिखाया था। इससे 20 तादाद में पेड़े बने हैं। और शुरू में जब मैं आटा गूंद रही थी तो मैंने नमक भी ऐड किया था, वो मैं आपको बताती चलूँ। 1 टेबल स्पून नमक भी ऐड किया था। अब हम इसमें आटा नहीं लगाएंगे बल्कि तेल लगा के इसको बेलेंगे। और बहुत पतला नहीं बेलना है और बहुत मोटा भी नहीं बेलना है। छोटे छोटे से पेड़े हैं तो छोटे ही, ये फ्रोजन पराठे थोड़े साइज में छोटे ही अच्छे लगते हैं। और बीच बीच में हमने इसके शीट, प्लास्टिक शीट कोई बिछानी है, जिसकी वजह से ये चिपकेंगे नहीं आपस में। और ये बना के फिर 1 घंटे पहले मैं फ्रीज करके फिर मैं आपको एक तल के दिखाऊंगी पराठा। ये देखेंगे इतना साइज होना चाहिए इसका। ये आप साइज देख लीजिए, इतना साइज है। देखें, अब हम शीट के ऊपर रख देंगे इसे ऐसे। इसके ऊपर दूसरी शीट बिछा देंगे और भी इसी तरह से मैं सारे पराठे अपने तैयार करके रख दूँगी। फिर इसको फ्रीज करना है 1 घंटे के लिए, उसके बाद फिर मैं आपको फाइनल इसका रिजल्ट दिखाऊंगी तलने का, कब तलने के बाद।
जी फ्रेंड्स, अब ये हमारे फ्रोजन पराठे फ्रीज हो चुके हैं। इसे हम बना के 1 महीना या उससे ज़्यादा हम फ्रीज कर सकते हैं, और सहरी में रमज़ान में ये बहुत ये काम आते हैं, क्योंकि सहरी में आपको पता है कि कितना शॉर्ट टाइम होता है। इसको हम ऐसे थोड़ा सा पहले सेकेंगे, फिर उसको पलट कर हमें भी ऐसा बड़ा चम्मच चाहिए, नीचे से फ्लैट हो। नहीं जी, अब हम इसे पलटते हैं। देखिए, एक साइड से ये अच्छा सा गोल्डन हो चुका है, अब हमें दूसरी साइड से भी इसी तरह से इसको सेकना है स्पून की मदद से, ये बड़े चम्मच की मदद से। ये देखें जी, बिल्कुल तैयार है आपके बिल्कुल बाजार जैसे फ्रोजन पराठे, और उससे बहुत कम कॉस्ट में। ये देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि बाज़ार में बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, लेकिन घर में आप बहुत कम कॉस्ट में इसको तैयार कर सकते हैं, और इन्जॉय करिए आप। ये देखिए, हमारे फ्रोज़न पराठे बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने सॉफ्ट हैं, इसकी लेयर्स कितनी अच्छी बन रही हैं। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन पसंद आएंगे। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए सैम रेसिपीज़ को, उसे लाइक कीजिए, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए मैं नई रेसिपीज़ के साथ आपके पास ज़रूर इंशाल्लाह हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।